हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th अप्रैल टू 25th अप्रैल। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। 16th to 25th अप्रैल जनरल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, अब स्कॉर्पियो यहाँ पे हमारे पास आपकी भी एनर्जी है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारे साइंस हैं, तो मैं साइंस बता के कंफ्यूज नहीं करूंगी। नेक्स्ट 10 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी बॉस के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी अपने पार्टनर के साथ, बट कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिख रही हैं कि आप कुछ और चाहते हो, दूसरा कुछ और चाहता है, या फिर आप अपने काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आप मे बी किसी ऐसी जॉब में हैं जिसमें आपका मन नहीं लगता, आप करना कुछ और चाहते हो बट हो कहीं और, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही है किसी और के साथ या फिर खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, तो वो चीज मुझे दिख रही है। कोई हो सकता है आपको बहुत बुली कर रहा है, आपको हराने की कोशिश कर रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है, चीट कर रहा है। मे बी ऑफिस में या आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको थोड़ा डोमिनेट करता हो, आपसे वो सारे काम करवाता हो जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, बट बॉस है तो वो करवा रहा है, बोल रहा है तो करना पड़ेगा। तो बुलिंग वाली एनर्जी है, बिट्रे, धोखा देने वाली, झूठ सच वाली एनर्जी है नेक्स्ट 10 डेज में मुझे दिख रही। आप में से कई लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, हो सकता है वो बोले कि अच्छा प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, पुरानी चीजों को भूल जाओ, एक रीबर्थ करते हैं अपने रिलेशनशिप का जो कि पहले खत्म हो गया था, उसको दोबारा स्क्रैच से वापस स्टार्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कार्ड्स में ये चीज आई है तो आपको उनको अपनी लाइफ में लेना ही लेना है वापस, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, डिपेंडिंग के वो क्या करके गए थे पहले, क्या चीज की वजह से उनका और आपका ब्रेकअप हुआ था या आप दूर हुए थे। तो बट इनकी तरफ से सॉरी आ सकता है, सॉरी या डीएम, मे बी डीएम, नोटिफिकेशन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, वट एवर, बट कुछ इनकी तरफ से आ सकता है आपको कम्युनिकेशन जिसमें ये आपको वापस आने को बोले, या तो ये वापस आए या फिर आप वापस आ जाओ, ऐसे समथिंग। अब देखिए आपकी जो एनर्जी है स्कॉर्पियो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको मे बी ये इंसान या फिर कोई और इंसान, दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि ये एक पुराना इंसान है और एक नया इंसान है, तो इसमें से किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे या इसको चूज करेंगे, तो वो थोड़ी चॉइस वाली चीज भी आ सकती है नेक्स्ट 10 डेज में। एक कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली फुलफिल फील करें, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, दिखने में भी आप दोनों एक जैसे ही हो, सोचने में भी एक जैसे ही हो, एंड एक कई बार एक इंसान से मिलके लगता है ना कि अच्छा ये तो रिफ्लेक्शन है, मिरर में देख रहा हूं मैं कि बिल्कुल सेम है दिखने में भी, एंड इमोशंस, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, काम करने का तरीका, लेजी होने का तरीका, सब चीजें सेम है, तो वैसी एक कंपैटिबिलिटी वाला इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। मे बी एज अ फ्रेंड स्टार्ट हो आप दोनों की बातचीत, एंड देन ग्रेजुअली यू माइट फॉल इन लव विद ईच अदर, बट डेफिनेटली मुझे ये चीज दिख रही है कि आपको एक कंपेनियन मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो एक अट्रैक्शन होता है और एक कंप्लीट फील करने वाली जो एनर्जी होती है ना, एक कनेक्शन और ज्यादा गहरा हो रहा है, और ज्यादा डीप हो रहा है, और ज्यादा सॉलिड हो रहा है, एक पक्का होना बोलते हैं ना, वैसी चीज दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज बताइए स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मनी, मैरिज। यूनिवर्स प्लीज बताइए 16th to 25th अप्रैल करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी फॉर स्कॉर्पियो। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, किसी बिजनेस पार्टनर से या रोमांटिक पार्टनर से आप अलग हो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं अपना रिश्ता, अपना कनेक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, तो हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं क्योंकि दूसरे पार्टनर के कुछ और व्यूज हैं एंड आपके कुछ और व्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में, अपने किसी रोमांटिक पार्टनर से आप अलग हो रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, तो वो वाली चीज हो सकती है। बट डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की वाइब मुझे दिख रही है, ठीक है, एक आप इधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं।
स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, नेक्स्ट 10 डेज, कार, योर हेल्थ, वेल्थ, यूनिवर्स, प्लीज बताइए, मैरिज, मनी, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस. हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, कुछ बहुत डिफरेंट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में. मे बी अभी तक आप शायद एज अ बिजनेस पार्टनर रोल प्ले कर रहे थे, बट अब आपको कुछ काम करना है जो कि कंप्लीटली आपको करना है, तो आप हेड ऑफ दैट बिजनेस हैं, जो भी आप उसको बोल लीजिए, बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है एंड और बड़ी हुई हो सकती है. ऐसा नहीं है कि कम होगी, और ज्यादा सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं एंड कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं पहले से, जो आपने पहले हैंडल करा हुआ है उससे बिल्कुल हटके, जो आपने आई थिंक पहले हैंडल नहीं करा है कभी, बिल्कुल हटके. तो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये चीज मैंने पहले कभी नहीं करी है. इफ आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई शुड बी लाइक डूइंग इट द राइट वे. ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी. 16 to 25 स्कॉर्पियो. टीपॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, किसी सेम जेंडर के इंसान के साथ आपकी कोई बहुत गहरी दोस्ती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. वो इंसान शायद आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता है, या आपको कहीं पे जॉब दिला सकता है, या फिर उस इंसान की जो एडवाइस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. मे बी ये डीप फ्रेंडशिप वाला जो इंसान है, ये आपको अपने पार्टनर से, आगे होने वाले फ्यूचर पार्टनर से मिलवाए, ऐसा भी हो सकता है. बीच में कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं ये, बट इनके साथ जो फ्रेंडशिप है आपकी वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट 10 डेज में. खासकर कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीजें आ सकती हैं. चार्म्स में से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट 10 डेज, प्लीज बताइए. लेटर W, लेटर O, लेटर L, WOL. हो सकता है आप थोड़ा लो फील करें, बीपी लो हो सकता है, या अदरवाइज लो फील करें, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है, थोड़ा रोना आ सकता है. पैसे आ रहे हैं, डेफिनेटली पैसे आ रहे हैं. हमारे पास आउल लिखा हुआ आया है, तो लक्ष्मी जी का वो होता है आउल, आउल बी, टॉर्टोइस बी, तो पैसे डेफिनेटली आ रहे हैं. अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक जगह से बाहर निकल के किसी और जगह पे स्टेप करने की, जॉब से बाहर निकल के, का रिलेशनशिप से बाहर निकल के, बट एक बेटर जगह पे जाने की चांस मिल सकता है, जाने का चांस मिल सकता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. उस अपॉर्चुनिटी का करना क्या है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है. ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है. टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, स्क्वाश कुछ खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं. क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है. फ्यूचर प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर प्लानिंग के बिना कोई भी रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा. ये नहीं कि हाँ ठीक है देख लेंगे जो होगा एंड अभी कर लेते हैं, नहीं अभी मत करिए, आगे का प्लान करिए. ठीक है, बिना प्लानिंग के कुछ डिसीजन मत लीजिएगा. बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.